दहेज के मामले में ज्योति की फांसी लगाकर की हत्या। आपको बताते चलें कि ग्राम हथलौनी थाना भरतना जिला इटावा की विवाहिता की हत्या का मामला सामने है। आपको बता दें कि मृतक ज्योति के मायके पक्ष ने ज्योति के ससुराली जनों ने पति अरुण कुमार, ससुर राजेंद्र सिंह, मास्टर नंदन गुड़िया व सासू चरणा देवी पर दहेज एक्ट के तहत फांसी लगाकर की गई हत्या के मामले में थाने में तहरीर दी है। मृतक ज्योति के भाई के अनुसार कई दिनों से दहेज के लिए ससुराली जन के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था तथा कल ससुराली जनों ने फांसी लगाकर ज्योति की हत्या की। ज्योति ने पहले अपने मायके में फ़ोन किया। फ़ोन में ज्योति रो रोकर अपनी स्थिति बता रही थी और इसी सिचुएशन को देख करके मायके से कुछ लोग ज्योति के ससुराल के लिए चले, लेकिन समय के दौरान ज्योति की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। हत्या के दौरान ससुराली जन मृतक ज्योति को सैफई हॉस्पिटल के पास बॉडी को छोड़कर भाग गई। यह मामला ग्राम हथरौली पोस्ट व तहसील भरतना जिला इटावा का है। जिला ब्यूरो चीफ इटावा से नंद किशोर शाखे की रिपोर्ट। हाँ जी, ये मैटर है यहाँ पर जो मर्डर हुआ है, क्या है इसकी क्या जानकारी? ये मर्डर किया हुआ है, साफ सुनने और उसके पति और उसकी ननद ने ये मर्डर किया हुआ है। और कल लड़की को ये दो चार दिन से ज़्यादा मारपीट कर रहे थे। कल लड़की ने फोन किया कि भाई ये मुझे मार रहा है, तो हम लोग में काम आ रहे हैं। हम जब तक पहुँचे जब तक इन्होंने मार के लड़की हमें फ़ोन किया कि हमने तेरी बहन को मार दिया और इसे ले जाओ उठा के। तो इन्होंने हमें गांव बुलाया, ये वहाँ से डेड बॉडी लेके सीधे आए ये इटावा। इटावा इन्होंने सीधे सैफई पीजीआई में बाहर स्ट्रेचर पे फेंक कर भाग गए वहाँ से। अच्छा, ये गांव किस गांव का मामला है? ये गांव कौन सा है? हथनौली है। हथनौली ये किस थाने के अंदर बताता है? ये थाना बरसना। बरसना थाना। हाँ जी, तो आप क्या लड़की के कौन हैं? लड़की का भाई हूँ। अच्छा, तो FIR वगैरह ये? FIR तहरीर दे आई हम, उन्होंने भी पोस्टमार्टम आप करके और हमारे पास सीधे आई है, करवा के जो भी है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम रिंकू। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ मेरी कल बहन की 2:14 पर रिकॉर्डिंग आई है कि ये मुझे मार पीट रहे हैं। तो मैंने कही चल ठीक है, मैंने तुरंत ही फिर उसको फ़ोन लगाया तो उससे मेरी 2:30 पर बात हुई। तो वो रो रही थी और रोते रोते उन्हें फ़ोन काट दिया। तो फ़ोन फिर मैंने उसका लगाया तो फ़ोन लगा नहीं, तो बोलिए ये मुझे मारपीट कर रहे हैं, फिर फ़ोन लगाया नहीं। और तो जब तक ही 5 के बाद उसके ससुर का फ़ोन आ गया, ले हमने मार दिए और तुम लोग यहाँ से उठ के जाओ। तो वहाँ थाने में तहरी नहीं दी थी? तहरी नहीं थी, वहाँ घर तक गए जब तक वहाँ मच्छी मिली नहीं। यहाँ सैफई हॉस्पिटल में पड़ी मिली है, उसके पास कोई भी नहीं था। पहले से भी टॉर्चर किया जा रहा था? पहले से 15 से, मतलब शादी हुई है जब से टॉर्चर ही किया जा रहा है 4 से, कि तेरे घरवाल ने कुछ दिया नहीं है। वो मतलब दहेज के भी कई जा रहे उस पर वो लगा रखे थे, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और डेली 15 से तो ज़्यादा ही कलेश हो रहा था उसके घर में। मेरी डेली बात हो रही थी और कल ऐसी घटना हुई कि 15 में सब कुछ हो गया उसके साथ, वो मार के यहाँ डाल गए हॉस्पिटल। तो आपको घटना का बाद में पता चला कि? घटना मुझे ससुर ने खुद कॉल किया ना 3:14 आप